दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। फिर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की फिरकी ने किस तरीके से पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और क्या कुछ रहा पहले दिन के रोमांचक मुकाबले का पूरा हाल दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अश्विन जडेजा इन दोनों में से कौन है बेहतर स्पिन गेंदबाज, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हो चुका है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने एक पारी और 132 रनों से अपने नाम किया था। अब सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए विराट कोहली के घरेलू मैदान में अगला मुकाबला होना था। कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस जीतने में नाकामयाब रहे। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी लेने में ज्यादा देरी नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले मुकाबले में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी और इसीलिए इस मुकाबले में उसका बदला लेने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मजबूत इरादों के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और भारत की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए थे मोहम्मद शमी। लेकिन उनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपना रिदम खो बैठे हों। उन्होंने ढेर सारी वाइड बॉल और बिना लाइन और लेंथ वाली गेंद डाल दी। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज कंगारू ओपनर बल्लेबाज मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरे थे। हद तो तब हो गई दोस्तों जब तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके लगा दिए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 18 रनों के पार पहुंच गया। और ये कुछ वैसी ही शुरुआत है जैसे रोहित शर्मा ने भारत के लिए पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत की थी। रोहित को कॉपी करते हुए उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। लेकिन उसके बाद दोनों ही तेज गेंदबाजों ने वापसी की और अगले 3 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ खास करने का मौका नहीं दिया। भारत अभियान से धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू करता है और 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19 रन था, यानी कि 3 ओवर में उन्होंने बस 1 ही रन बनाए थे। और इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में एक नई चाल चली और गेंद दे दी रविचंद्रन अश्विन को। और पहले ही ओवर में अश्विन ने ये बता दिया कि इस मुकाबले में भी वो जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले हैं। उनके पहले ओवर में 2 रन जरूर बने लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनको आसानी से खेल नहीं पा रहे थे। और अब बारी आती है उस ओवर की जिसमें मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई ओपनरों को दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को एक बहुत ही खतरनाक बाउंसर डाली जो गेंद उनके कंधे पर लगते हुए थर्ड मैन की तरफ चली गई। और अब स्ट्राइक पर आ गए थे डेविड वार्नर और उनको भी मोहम्मद सिराज ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिसके बाद मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ गया। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बाउंसर डाली थी और उस पर डेविड वार्नर पुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगते हुए उनकी कोहनी पर जाकर लगी थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैदान पर फिजियो को आना पड़ गया। हालांकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर ऑस्ट्रेलियाई पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और एक तरफ से जहां उस्मान ख्वाजा 10 ओवर के बाद 31 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं पर डेविड वार्नर ने 30 गेंदों में 6 रन बनाए थे और वार्नर अपने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का 26 रन था और उनके लिए अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अब तक अपना एक भी विकेट नहीं गवाया था। रोहित शर्मा की परेशानी अब बढ़ने लगी थी क्योंकि अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने आगे निकलकर एक शानदार छक्का लगाया था और इस छक्के ने इस बात को साबित कर दिया था कि उस्मान ख्वाजा इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान पर आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर के बाद 32 रन बना चुका था और दोनों ही बल्लेबाजों ने अब अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी क्योंकि 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेते हुए उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने 3 चौके लगाए थे। और पहली ही गेंद पर ख्वाजा ने चौका लगाया था तो उसके बाद 4वीं और 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर ने 2 शानदार चौके लगाए और अपनी टीम का स्कोर 50 रन तक ले गए। इस श्रृंखला में आपको बता दें कि पहली बार बिना किसी नुकसान के ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन का आंकड़ा छुआ है और दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज टीम को मजबूती दिला रहे थे। लेकिन 14वें ओवर में 3 चौका खाने वाले मोहम्मद शमी को कप्तान रोहित शर्मा ने एक और मौका दिया और 16वें ओवर में भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वो किया जिसके लिए पूरी की पूरी भारतीय टीम कब से बेकरार थी। जी हां, 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने एक बहुत ही खतरनाक गेंद डाली जहां वार्नर के बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधे विकेटकीपर श्रीकर भारत के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को 50 रन के स्कोर पर ही पहली सफलता मिल गई। और
आखिरकार मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें कि भले ही ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेशन में अच्छी बल्लेबाजी की और 18 ओवर तक 72 रन बना लिए हों, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में आसानी से वापसी करने वाले हैं। डेविड वार्नर ने जाने से पहले 44 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं पे उस्मान ख्वाजा 57 गेंदों में 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभा रहे थे दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज लबू शाने, जो कि 10 गेंदों में 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत की तरफ से एकमात्र सफल गेंदबाज थे और वो थे मोहम्मद शमी, जिन्होंने डेविड वार्नर का विकेट ले लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली टेस्ट को टीम इंडिया कितने दिनों में अपने नाम कर लेगी? इस बात का जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।